छपोरा हसौर मार्ग फिर हुआ खून से लाल, जेसीबी ने मारी ठोकर, मौके से जेसीबी ऑपरेटर फरार। मालखरौदा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छपोरा में आज 10 बजे चारपारा से अमलीडीह जाने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही छपोरा के कन्या छात्रावास के पास पहुंचे थे, ठीक उसी समय एक घर से काम करके निकल रहे जेसीबी ने ठोकर मार दी, जिसमें बाइक सवार उत्तम कुर्रे, शिवा कुर्रे, गुलाबी बाइक कुर्रे तीनों बाइक से दूर जाकर गिर गया, जिसमें उत्तम कुर्रे का पैर पूरी तरह से 5-6 जगह से टूट गया। वहीं शिवा कुर्रे का पैर भी टूट गया और साथ ही गुलाबी बाई कुर्रे का भी पैर पूरी तरह से टूट गया है। इलाज के लिए रायगढ़ ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत आपको बता दें जहां इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि जेसीबी में नंबर भी नहीं लिखा है। मौके से जेसीबी ऑपरेटर फरार है। जानकारी के अनुसार जेसीबी मशीन अमलीडीह का गणेश चंद्रा का बताया जा रहा है। 112 को डायल कर जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस 112 की टीम पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया है। वहीं दुर्घटनाकारी जेसीबी को पुलिस ने जब्त कर अपने साथ थाना मालखरौदा ले गई। रात रहे जेसीबी वाला है और पीछे कहर थी माटी अलगा के पी लेना अलगई से तहन आगे बढ़ी से पीछे नहीं देखी ओकर बाद में अलगई से लेकर आगे जाकर उस आगे पीछे कर दी से जेसीबी वाला था। जेसीबी वाला कहाँ है? वो भाग से बल्ला भाग से। आज प्रातः करीब 9:30 बजे ग्राम छपोरा में हसौद रोड पर एक जेसीबी और मोटरसाइकिल के बीच में दुर्घटना हुई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार उत्तम कुमार कुर्रे, शिवा कुर्रे एवं गुलाबी बाई को गंभीर चोटें आई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आहतों को इलाज हेतु सीएससी मालखरौदा भेजा गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए घायल उत्तम कुर्रे रायगढ़ रिफर किया गया, जहां उत्तम कुर्रे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दुर्घटना में मौके पर से ही जेसीबी को जब्त किया गया है और ड्राइवर जो था मौके से फरार हो गया है। इसमें FIR दर्ज करके विवेचना कार्रवाई की जा रही है। इसमें तत्कालिक रूप से 279-337 के धारा लग के FIR हुआ है। आगे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और धाराएं इसमें जुड़ी जाएंगी।